भाई घरेलू कलह के चलते एक पति ने लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी को गोली मार दी। जी हां, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं हिसार के मुगलपुरा गांव की है और उसी घर की है जहां पर पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई और पत्नी की जान चली गई और मौके पर जो है पुलिस भी वहां पर पहुंची और इसको लेकर जो है आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वारदात का जो कारण था वो पारिवारिक कलह था, जिसको लेकर जो है बड़ी बात निकलकर सामने आई कि सुबह जो है उनके बीच में कुछ छोटी मोटी या कहें काफ़ी बहस हो गई, जिसके बाद जो है उनके अंदर काफ़ी झगड़ा हुआ और इस दौरान जो है पति का जो नाम है राम निवास है कमरे से अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाल कर लेकर आया और अपनी पत्नी की तरफ गोली चला दी। लेकिन उसी बीच जो है उसकी बेटी आ गई तो जो है गोली कहीं और लग गई, लेकिन उस वक्त जो है उसकी पत्नी की मृत्यु नहीं हुई। फिर जो है उसने दोबारा प्रयास किया और दूसरी गोली चलाई अपनी पत्नी पर जो उनके गले पर जाकर लगी, वहीं पर जो है दम तोड़ दिया उन्होंने। और जैसे ही गोलियों की आवाज़ लोगों ने सुनी तो एक के बाद जो गोलियां चल रही थी उससे हड़कंप मच गया। पड़ोसी भी छत पर चढ़ गए और कुछ राम निवास के घर भी पहुंचे। पड़ोसियों ने बताया कि गोली चलने के बाद देखा कि राम निवास की पत्नी फर्श पर पड़ी हुई थी। राम निवास मौके से फरार हो गया है। राम निवास के दो लड़के और एक लड़की है और बताया जा रहा है कि जो बेटा है वो पहले से ही जेल में है। और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जो है पुलिस भी पहुंची और जो है पूरी कार्यवाही को आगे बढ़ाया। और एक बेटा जो जेल में है, राम निवास का बड़ा बेटा जो कि 26 वर्षीय है शुभम, दूसरा बेटा 24 वर्षीय जो कि अशोक गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करता है। मृतक महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हिसार के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर रही है।